पीएम का शाहजहांपुर दौरा, गंगा एक्सप्रेसवे का करेंगे शिलान्यास। करीब 12 जिलों के 600 गांवों को होगा फायदा, योगी सरकार का बड़ा चुनावी सौगात। नोएडा दिल्ली से पूर्वांचल जाना होगा आसान, बिहार जाने वालों को भी फायदा। एक्सप्रेसवे पर सियासत, मायावती का दावा, प्रोजेक्ट उनकी सरकार के वक्त का। अखिलेश यादव ने भी किया समर्थन, कहा बीएसपी सरकार के वक्त बना प्रोजेक्ट। राहुल गांधी आज 2.5 साल के बाद जाएंगे अमेठी, निकालेंगे महंगाई के खिलाफ पदयात्रा। प्रियंका गांधी भी अमेठी में, राहुल के साथ होंगी, कोई जमीन फिर बनाने की कोशिश। अजुद्दीन ओवैसी की आज मेरठ में रैली, शोषित वंचित समाज को साथ लाने की कोशिश। अखिलेश यादव आज रायबरेली में मुंशीगंज में करेंगे रैली। राजस्थान में गहलोत सरकार के 3 साल पूरे, बोले गहलोत कोई 23 में फिर बनाऊंगा सरकार। शुक्रवार को रायबरेली पहुंचे अखिलेश ने हनुमान मंदिर में किए दर्शन, 7वें दौर की विजय रथ यात्रा का किया आगाज। शिवपाल यादव के समाजवादी पार्टी से गठबंधन पर लगी मुहर, अखिलेश के मुताबिक सीटों पर भी हो गया समझौता। गठबंधन के बावजूद शिवपाल का अखिलेश पर तंज, कहा 3 सालों में 100 सीटों पर भी तैयारी नहीं कर पाई समाजवादी पार्टी। अखिलेश शिवपाल के गठबंधन पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का निशाना, कहा अगर इतने मजबूत होते अखिलेश तो सीट बांटने नहीं फिरते। अखिलेश यादव ने किया समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान वर्ग का बचाव, मीडिया पर फोड़ा ठीकरा। वाराणसी अधिवेशन के बाद चंदौली पहुंचा महापौर का दल, दीनदयाल उपाध्याय स्मृति वन का लिया जायजा। आज अयोध्या में है महापौरों का कार्यक्रम, रामलला के 7 मंदिर निर्माण का भी लेंगे जायजा। जिन्ना वाली सियासत में कूदे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, कहा नाजायज थी पाकिस्तान की मांग। रेप पर कांग्रेस विधायक के बयान पर बीजेपी आग बबूला, स्मृति ईरानी ने संसद में कांग्रेस को घेरा। कर्नाटक के कांग्रेस एमएलए के शर्मनाक बोल पर प्रियंका गांधी ने तोड़ी चुप्पी, कहा ऐसे बयान का नहीं किया जा सकता बचाव। नामामर्शी के कांग्रेस एमएलए रमेश कुमार ने मांगी माफी, कहा अब सोच समझ कर करूंगा टिप्पणी। कर्नाटक विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करने की तैयारी, नए कानून में 10 साल की जेल और 1 लाख जुर्माने का प्रावधान। धर्मांतरण के लिए पैसे, नौकरी या कोई भी लालच देने पर होगी कार्रवाई, शादी का वादा भी माना जाएगा जरूर। कर्नाटक के प्रस्तावित धर्मांतरण विधेयक पर पूरे प्रदेश में जारी है विरोध, हुबली में ईसाई समुदाय ने किया प्रदर्शन। आज से 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह, शिरडी में करेंगे साई के दर्शन। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 113 मरीज शुक्रवार को देशभर में सामने आए, 26 मार गए। 12 राज्यों तक फैल चुका है कोरोना का ओमिक्रॉन वेरियंट, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 40 केस। महाराष्ट्र के जुन्नार में एक ही गांव के 7 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित, दुबई से लौटे हैं सभी यात्री। मुंबई सर्वे थाने में अजीबोगरीब मामला, आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज हुआ मरीज, लेकिन ओमिक्रॉन रिपोर्ट पॉजिटिव। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने सड़कों पर देर रात चलाया चेकिंग अभियान, कोरोना नियमों के उल्लंघन की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में भी ओमिक्रॉन ने दी दस्तक, महाराष्ट्र से गाजियाबाद आए 2 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। केरल में 2 और ओमिक्रॉन मरीजों की पहचान, राज्य में कुल मामले 7। यूपी से बिहार जाने वालों के लिए गोपालगंज बॉर्डर पर लगा विशेष वैक्सीनेशन कैंप, यात्रियों को लगाया जा रहा कोरोना टीका। दिल्ली में आज से खुल रहे 6 से ऊपर के स्कूल, एयर क्वालिटी कमीशन की हरी झंडी के बाद फैसला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोवोवैक्स वैक्सीन को WHO की मंजूरी, बच्चों को लगाया जा सकता है टीका। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का मैदानी इलाकों में असर, चंडीगढ़ में 6 डिग्री गिरा तापमान। विजिबिलिटी रह गई थी 6 मीटर तक, अमृतसर से 9 विमानों को किया गया डायवर्ट। कश्मीर में कड़ाके की ठंड, ज्यादातर जगहों पर 0 से नीचे तापमान।
कश्मीर में आने वाले दिनों में और गिरेगा तापमान, यातायात के लिए बंद हुआ श्रीनगर करगिल हाईवे। शीतलहर के कहर से जम गया रेगिस्तान, फतेहपुर में शून्य से करीब 2 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का मैदानी इलाके में असर, चंडीगढ़ में 6 डिग्री गिरा तापमान। विजिबिलिटी रह गई थी 6 मीटर तक, अमृतसर में 9 विमानों को किया गया डायवर्ट। कड़ाके की ठंड, ज्यादातर जगहों पर शून्य से नीचे तापमान, श्रीनगर में -4 डिग्री पारा।